हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9:30, तो काम सब मेरा हो गया है, डस्टिंग वगैरह हो गया है और सब उठ गए हैं। सबने शावर भी ले रहे हैं, हर चिल्ला रहे चॉकलेट मार रहे, क्योंकि ये इनको पता है कि मैं अगर मोबाइल पे मैं कुछ कर रही होती तो इनका ऐसा लगता है कि ये जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चाय और भजिया। भजिया मैं बना रही हूँ क्योंकि कोई आया है घर पे, कोई आता है तो ही मैं बनाती हूँ, वो पापा जी के फ्रेंड आए हैं, इसके लिए मैं बना रही हूँ भजिया। तो उनको निकलना भी है, इसके लिए मैं बना रही हूँ, तैयारी सारी कर ली हूँ मैं, और उसने तैयारी कर ली हूँ सारी, मैं सिर्फ बनाना ही बाकी है। चलिए फिर बना लेते हैं फटाफट से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फटाफट से बना लो। ब्रेकफास्ट हो गया और मैं रखी हूँ कुकर में दाल, दाल भी हो गई है, उसमें तड़का लगाना बाकी है। तब तक ये ब्रेकफास्ट के बर्तन थे सारे, तो मैं क्लीन कर रही हूँ, इसके बाद जाऊँगी आरुष और आदि को नहलाना है और मशीन भी लगाना है, तो मशीन भी लगा दूँगी, कपड़े भी हो जाए धुल के, और आदु आरुष को नहला भी देती हूँ। मेरे पास वैसे भी सारे सामान ख़त्म हो गए, मेकअप के कुछ भी है नहीं, और यहाँ पे तो कुछ भी मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन बुक करने का टाइम नहीं है कि ऑनलाइन चीज़ें बुक कर दूँ और आ जाए। और जो भी बचा खुचा सामान है आरुष ने आज वो भी ख़राब कर दिया। रोज़ वाटर था, पूरी बोतल पलटी कर दिए, और रोज़ वाटर का जो कैप होता है ये देखिए, ये कैप में पानी भर भर के पूरी दीवार और ये स्लाइडिंग वगैरह सब पेंट कर रहे थे, पूरा गिरा दिया। और ये ब्रश को भी सारा पानी में डुबो डुबो के गिल्ला करके धो दिए ब्रश। ये ब्रश से दीवार पेंट करेंगे तो कैसे चलेगा, ये सारे ब्रश भी ख़राब कर दिए। और जो थोड़ा बहुत मेरे पास सामान था वो भी ले भी थे आरुष ने। और हाँ, ये एक न्यू दुपट्टा मैं लेके आई थी चुन्नी, वहाँ से डीमार्ट से लेके आई थी, ब्लैक कलर का, तो ब्लैक मैं इसके लिए ली थी कि ये कोई भी ड्रेस पे ले लो, ब्लैक तो चल जाता है। तो अभी हम लोग जब गए थे वैष्णो देवी गए थे तो मैं ली थी, क्योंकि पापा भी गए थे साथ में तो मुझे सर पे पल्लू लेना रहता है, तो सारे के तो मैचिंग नहीं होते हैं, और तो इसके लिए मैं ब्लैक ली थी कि ब्लैक रहेगा तो सब पे चल जाएगा। तो दोपहर को मैं बिजी थी एलवी में, और ये हॉल की बालकनी में ग्रिल में एक बांधा और एक टेबल के उसमें बांधा, और उसमें जाके खड़े हो गए, पूरा दुपट्टा मेरा फाड़ दिया जाता इतना मतलब परेशान करते ना आरुष, इतना कि क्या बोलूँ मैं, अभी तो बहुत ही गुस्सा है, ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ मैं, न्यू दुपट्टा मेरा फाड़ के रख दिया उसने तो चलिए फिर कुछ बोलेंगे तो बोलते हैं कि गलतियाँ तो हो जाती हैं बच्चों से, पता नहीं कहाँ का डायलॉग है, सुन के बैठे हैं वही बार बार मारते रहते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी, फिर इसके बाद पूजा का टाइम हो जाएगा, तो पूजा करके फिर इसके बाद बनाऊँगी लंच डिनर। और डिनर में मैं आज कुछ भी दाल राइस रोटी सब्जी वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ, सैंडविच बनाऊँगी, वो भी सैंडविच वेजिटेबल वाली नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स नहीं है मेरे पास, तवा सैंडविच बनती है पोटैटो और टोमेटो और ओनियन को मिक्स करके फ्राई करके, वही वाला बनाऊंगी क्योंकि वेजिटेबल्स नहीं है। तो दूध आया है तो उसके साथ ब्रेड आया है, तो वही सैंडविच बना लूँगी मैं। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं किचन में। तो सैंडविच बनाने के लिए मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ ऑयल, ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ जीरा, और जीरा चटकने लगा है तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज और टोमेटो। प्याज और टोमेटो को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक
और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मेरे पास आलू टिक्की मसाला है, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसमें आलू टिक्की मसाला भी मैं ऐड कर दूंगी, बाकी और कुछ भी मसाले नहीं पड़ेंगे इसमें। तो ये स्टफिंग मैं तैयार कर रही हूँ तवा सैंडविच बनाने के लिए। वेजिटेबल्स मेरे पास नहीं थे कुछ भी, इसके लिए मैं वेजिटेबल्स वाली सैंडविच नहीं बना रही हूँ, ये वाली बना रही हूँ। तो देखिए टोमेटो और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, तो मैं उसमें ऐड कर दी हूँ आलू और इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेना है 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद इसको ब्रेड में फिल करके मैं तवे पे सेक लूँगी। और वापस यहाँ पे मैं कढ़ाई रखी हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए, तो मैं इसमें ऐड करी हूँ ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ जीरा। जीरा चटकने लगा है तो मैं इसमें ऐड करी हूँ टोमेटो और प्याज बारीक कटे हुए। इसको अच्छे से भून लूँगी सॉफ्ट होने तक। प्याज और टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो मैं इसमें ऐड करी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और फ्राइड राइस मसाला। और उसको अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ राइस और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए ढक के बीच बीच में चलाते रहूँगी। तो यही है आज का डिनर, फ्राइड राइस और सैंडविच, तवा सैंडविच। डिनर हो गया है हमारा और अभी मैं जा रही हूँ बर्तन क्लीन करने, पूरा सिंक भरा हुआ है तो बर्तन क्लीन करूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी। आज आरुष हो गए, मैं इधर किचन में थी बना रही थी डिनर और बैठ के वो टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते सो गए, तो अभी जस्ट उनको आधे घंटे ही हुआ है सो गए, तो मैं तुरंत नहीं उठाई, मैं सोची थोड़ी देर सो लेने देती हूँ, थोड़ी नींद हो जाएगी, अभी तुरंत उठा दूँगी तो शायद रोएंगे, इसके लिए मैं पुलिस होने देती हूँ। बर्तन वगैरह मेरा हो जाएगा फिर मैं जाके उनको उठाऊँगी और कुछ खिलाऊँगी, अगर नहीं खिलाऊँगी तो फिर रात में अच्छे से सोएंगे नहीं, उठ जाएंगे और बिना खाए सोएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं सोची थोड़ा सो लेने देती हूँ, 1 घंटे की नींद दे लेंगे, फिर मैं बर्तन धुल के जाऊँगी उनको उठाऊँगी। और क्या, तो चलिए फिर मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।